चिड़िया के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम कुकू और बेटी का नाम गुड़िया था। गुड़िया बहुत अच्छी थी, वो अपनी मम्मा का हर कहना मानती और अपनी मम्मा के साथ सारे काम करवाती थी। जबकि कुकू बहुत आलसी था, वो अपनी मम्मा को हर समय तंग करता था। कुकू की मम्मा अपने बच्चों से कहती है, बच्चों आज हम थोड़ी दूर तक जाएंगे और मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी। एक्सरसाइज करने से हम स्वस्थ रहते हैं। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर गुड़िया बहुत खुश होती है, मगर कुकू अपनी शक्ल बिगाड़ लेता है। नहीं मम्मा, मैं थक जाऊंगा, मेरे पंखों में दर्द होता है ज्यादा उड़ने से। कुकू बेटा, अगर शरीर को इतना आराम दोगे तो तुम बीमार हो जाओगे। हमें स्वस्थ रहने के लिए उड़ना होता है, उड़ने से हमारे पंख मजबूत होते हैं। भाई चले ना, बहुत मजा आएगा। मगर कुकू नहीं मानता। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा कुकू के बिना ही चली जाती हैं और कुकू अपने घोंसले में सो जाता है। गुड़िया बेटी, एक लंबी सी सांस लेकर अपने पंख फैलाकर उड़ना है और एक ही सांस में उस सामने वाले पेड़ तक जाना है। गुड़िया की मम्मा ऐसे गुड़िया को एक्सरसाइज करवाती थी। शाम को घर वापस आते समय मम्मा चिड़िया सब्जी की दुकान पर जाती है। गौरी बहन, भिंडी क्या भाव है? ले लो चिड़िया, आज भिंडी बहुत सस्ती हो गई है। मेरे अपने खेतों की है ये ताजा ताजा भिंडी। चिड़िया भिंडी की सब्जी और कुछ टमाटर लेकर अपनी बेटी के साथ वापस घर आती है। माँ बहुत देर कर दी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अभी खाना बना कर देती हूँ अपने बेटे को। फिर मम्मा चिड़िया सब्जी काटती है और गुड़िया अपनी मम्मा के काम में मदद करती है। मम्मा चिड़िया खाना बना लेती है। कुकू उठो बेटा, खाना तैयार है, खाना खा लो। मम्मा ये क्या, ये तो भिंडी है, मैं तो भिंडी नहीं खाऊंगा। बेटा ये गर्मियों की सब्जी है, सब इसे बहुत शौक से खाते हैं। मगर कुकू कहाँ मानने वाला था, वो अपनी मम्मा का कोई भी कहना ना मानता। फिर वो अपनी मम्मा से पैसे लेकर बाहर जाता है और बाहर जाकर कबूतर चाचा की दुकान से समोसे लेकर खा लेता है। कोई भी सब्जी होती कुकू ना खाता। एक दिन कुकू की मम्मा ने करेले बनाए थे, कुकू ने वो भी नहीं खाए। एक दिन कद्दू थे, वो भी कुकू को पसंद नहीं आते। वो तो बाहर से कुछ ना कुछ खाकर अपना पेट भर लेता था। ऐसे ही दिन गुजरते गए। गुड़िया बहुत स्वस्थ और तेज थी, मगर कुकू दिन ब दिन आलसी होता गया। और फिर एक दिन कुकू के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, वो दर्द से रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं मर रहा हूँ दर्द से। मम्मा मेरे भाई को क्या हो गया है? गुड़िया भी रोने लग जाती है। चुप कर जाओ मेरे बच्चे, मैं अभी आपको बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। मम्मा मुझसे उड़ा भी नहीं जाता, मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। मम्मा मैं अभी तोते अंकल का ऑटो लेकर आती हूँ और हम भाई को बुलबुल के पास लेकर जाते हैं। फिर गुड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है और तोते अंकल से जाकर कहती है, तोते अंकल जल्दी चलें, मेरे भाई के पेट में बहुत दर्द है। तोता जल्दी से गुड़िया को ऑटो में बिठाकर गुड़िया के घर की तरफ जाता है। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया कुकू को ऑटो में बिठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बुलबुल कुकू का चेकअप करती है। इसे दो दिन के लिए यहाँ रखना होगा, इसका मैदा खराब हो गया है और इसे बहुत कमजोरी है। क्या ये बच्चा कोई सब्जी नहीं खाता? बुलबुल दी, मैं इसे बहुत समझाती हूँ मगर ये मेरी बात मानता ही नहीं। मम्मा मैं आपकी हर बात मानूंगा, प्लीज मुझे ठीक कर दें। ये सुनकर बुलबुल डॉक्टर हंसते हुए कहती है, तो फिर भिंडी खाओगे, करेला खाओगे, कद्दू खाओगे? बुलबुल डॉक्टर जो जो भी कहती है कुकू हाँ में सर हिलाता है। फिर बुलबुल कुकू को इंजेक्शन लगाती है। कुकू एक बार तो बहुत रोता है मगर फिर उसके पेट का दर्द रुक जाता है।
दो दिन हॉस्पिटल रहने के बाद वो सब घर आ जाते हैं और गुगु उस दिन के बाद अपनी मम्मा का हर कहना मानता और सारी सब्जियां खाने लगता है। चिड़िया अपनी बेटी के साथ उड़ती हुई जा रही थी। वो उस जंगल में नई आई थी और उसे अपने लिए नया घोंसला बनाना था। सामने बैठी एक अव्वी अपनी चोंच के साथ एक घोंसला तोड़ रही थी। चिड़िया जल्दी से उस कव्वी के पास जाती है मगर कव्वी अपना काम चालू रखती है। कव्वी बहन, आप ये घोंसला क्यों तोड़ रही हैं? तुम्हें कोई एतराज है? ये मेरा पुराना घोंसला है, मैंने नया पक्का घर बना लिया है, इसलिए मैं अपने पुराने घोंसले को तोड़ रही हूँ। बहन, अगर बुरा ना माने तो ये घोंसला आप मुझे दे दें। मैं इस जंगल में नई आई हूँ, मेरे पास घर नहीं है। हम माँ बेटी इस घोंसले की मरम्मत करके इसी में रह लेंगी। चल चल भाग यहाँ से, मैंने बहुत मुश्किल से ये घोंसला बनाया था और अब मैं किसी को ये घोंसला क्यों दूँ? किसी को देने से अच्छा है कि मैं इसे तोड़ ही देती हूँ। ये कहते हुए गोरी कव्वी फिर से पुराना घोंसला तोड़ना शुरू कर देती है। चिड़िया और उसकी बेटी भी निराश होकर वहाँ से चली जाती हैं। चिड़िया पहाड़ों के पास पहुँच जाती है, वहाँ काफी सारी सूखी लकड़ियाँ भी थीं। मम्मा, कोई हमारी मदद नहीं करेगा, हमें अपने लिए खुद से घर बनाना होगा। हाँ गुड़िया बेटी, हम अभी घर बनाने का काम शुरू करती हैं। आप छत पर डालने के लिए सूखा घास लाओ और मैं लकड़ियाँ लाती हूँ। वो माँ बेटी अपना काम शुरू करती हैं। चिड़िया बड़ी लकड़ियाँ जोड़कर घर की छत को मजबूत करती है और गुड़िया अपनी छोटी सी चोंच से सूखा हुआ घास जमा करती है। वो माँ बेटी सारा दिन काम करती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर कुछ दिनों के बाद कव्वी का बेटा जगू अपनी माँ से कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे स्कूल से छुट्टियाँ हो गई हैं, चले ना नानों के पास जाते हैं। रुको रुको जग्गू, पहले मैं मिठाई ले लूँ, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे तुम्हारी नानों के पास। फिर जग्गू की मम्मा मिठाई लेने चली जाती है। गोरी कव्वी कबूतर चाचा की दुकान से मिठाई लेती है। मोटे कबूतर, अच्छी वाली मिठाई देना, मैं अपनी माँ के पास ये मिठाई लेकर जाऊंगी। मेरी मिठाई दूर दूर तक खाई जाती है। गोरी कव्वी मिठाई लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम होने से पहले पहले गोरी कव्वी अपने बेटे जग्गू के साथ अपने घर से निकलती है। मम्मा मम्मा, मैं जीत गया, मैं आपसे तेज उड़ रहा हूँ। आहिस्ता उड़ो जग्गू बेटा, हवा चल रही है। जग्गू की माँ ने इतना कहा ही था कि हवा और भी तेज हो जाती है और साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। कव्वी और उसका बेटा जग्गू तेज बारिश में फंस जाते हैं। वो दोनों बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जा रहे हैं। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मम्मा कुछ करें। मैंने आपसे कहा भी था कि कल चले जाएंगे, मगर तुमने मेरी एक न मानी। मम्मा मम्मा, वो देखें, सामने किसी का घर है, चले हम वहाँ चले जाते हैं। हाँ जग्गू, वो घर तो किसी ने नया नया ही बनाया है। फिर वो माँ बेटा पहाड़ों के पास उस घर की तरफ जाते हैं। कव्वी घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। मम्मा, क्या ये पक्षी हमें अपने घर में रख लेगा? देखते हैं जग्गू बेटा, मैंने तो कभी किसी के साथ नेकी नहीं की, न जाने आज हमारे साथ क्या होगा। गोरी फिर से दस्तक देती है। चिड़िया घर से बाहर आती है। चिड़िया को देखते ही गोरी कव्वी पहचान लेती है। चिड़िया, तुम वही हो जो मेरे पास पुराना घोंसला लेने आई थी।
हाँ कवि, मैं वही चिड़िया हूँ। जब आपने मुझे अपना पुराना घोंसला नहीं दिया तो फिर मैंने अपनी बेटी के साथ मिलकर ये नया घर बना लिया। आप ऐसी बारिश में यहाँ क्या कर रही हैं? चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे और मेरे बेटे को अपने घर में पनाह देकर बारिश और ठंड से बचा लो। आंटी, हम मेरी नानों के पास जा रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। फिर चिड़िया कवि और उसके बेटे को अपने घर में पनाह दे देती है। आंटी, किसी को भी कमजोर और छोटा ना समझें, क्योंकि किसी भी समय हमें किसी की जरूरत पड़ सकती है। फिर चिड़िया गौरी को गरम गरम पकौड़े खाने को देती है। गुड़िया और जग्गू खेलने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में हमेशा एक दूसरे का साथ दें।